अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अब्दुल्लाह अल वासफ प्रॉपर्टी सर्विसेज रियल एस्टेट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के थ्रू हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, जो कि आप डीएचए पिशावर की वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं पिशावर के हवाले से, उसके रियल एस्टेट के हवाले से, मार्केट का आप स्टैंड कर रही है, एज यू नो कि ये कमेंट्स का रिप्लाई मिस्टर दान से दिखी करते हैं, जो कि सीईओ है प्रॉपर्टी सर्विसेज रियल एस्टेट के। सो दान भी क्या रहा जी, सबसे पहले हमारे पास कमेंट है नवीद गुल दुरानी का, वो कहता है प्लीज अपडेट अस अबाउट सेक्टर H10 मरला, when its development will start and when। जी नवीद साहब, ये इसका जो डेवलपमेंट है एच ब्लॉक की, इसमें अभी टाइम लगेगा, तकरीबन कोई टाइम लग जाएगा 2 से 3 साल, क्योंकि अभी G1 और G2 पे इसकी डेवलपमेंट शुरू की है और इसका नक्शा आएगा, फिर इसे पोजेशन दिया जाएगा, इसके बाद फिर जो है DHA एफ ब्लॉक और एच ब्लॉक की तरफ जाएगा, तो उससे कम अज कम 2 साल लग जाएंगे इसकी डेवलपमेंट में। और एच ब्लॉक की जो इस टाइम ओन प्राइस है वो तकरीबन को 52 से स्टार्ट होके और मैक्सिमम 60 तक इसकी प्राइस जाती है। इसमें छोटे नंबरों की सीरीज और बड़े नंबरों की सीरीज आ जाती है। मैं एच ब्लॉक का 10 मरले की आपको हमेशा डिटेल पूरी बताता हूँ कि 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड है, 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है, प्लस इसके ऊपर जो ओन मैं बता रहा हूँ आपको 52 मिनिमम है, मैक्सिमम इसका अगर कोई सिंगल डिजिट आ जाता है तो ये 60 तक इसका रेट चला जाता है। ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो तकरीबन करोड़ 5 इसका इस टाइम ये बनेगा जो टोटल कॉस्ट है। ये एच ब्लॉक का स्टंट चल रहा है। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास हमजा ऐवान के, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, काइंडली अपडेट 10 मरला एफ ब्लॉक रेट एंड आल्सो गाइड अबाउट एक्सपेक्टेड रेट एफ ब्लॉक मैप, थैंक्स। मैंने अभी आपके सवाल से पहले जो है, मैंने ये नवीद साहब के सवाल में ही इसका जवाब आपको भी मिल गया होगा, लेकिन एफ ब्लॉक जो है ये G1 G2 के बाद जो है ये एफ ब्लॉक की ही बारी है। तकरीबन 2 साल इसके इसे टाइम है अभी डेवलप होने में, नक्शा आने में। यहाँ पे एफ ब्लॉक में जो 10 मरले की कटिंग है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 57-58 ओन है, ओन प्राइस है, 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड है और 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। ये एफ ब्लॉक की प्राइस है। फर्दर नेक्स्ट कमेंट हमारे पास सादिया जमील का, वो कहती है से समथिंग अबाउट सेक्टर एच। अभी थोड़ी देर पहले दानवे ने जो फर्स्ट कमेंट रिप्लाई किया अनवर साहब का, नवीर साहब का, उसमें इस कमेंट का रिप्लाई कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमेंट भी एफ ब्लॉक के मैप के वाले से है और ये मैं ये कमेंट भी कवर हो गया। कमेंट है अदनान साहब, सेक्टर एफ मैप व्हेन इट्स एक्सपेक्टेड। उसके बाद डॉक्टर अतीका हमारे पास कमेंट है, वो कहते हैं व्हेन एफ एंड जी मैप विल कम। अतीक साहब आपसे, आपके तो हम लोग अक्सर कमेंट के आंसर करते रहते हैं। इसका जो जी ब्लॉक का मैप है, जी ब्लॉक का मैप जल्दी आ जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे NLC के साथ जो MOU साइन हुआ है डेवलपमेंट का, वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है डेवलपमेंट शुरू भी हो चुकी हुई है। अब मेरा ख्याल है कि जी ब्लॉक का तो मैप आ जाए, जल्दी आ जाएगा, महीने में आ जाए, मैक्सिमम इसे महीना 1.5 महीने में आ जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा छलांग मारे तो 2 महीने का टाइम है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर कर रहा है DHA तो दूसरी तरफ इसका मैप जो है वो भी फाइनल कर रहा होगा, तो मैप इसका जल्दी आ जाएगा 2 महीने तक। बाकी जो एफ ब्लॉक की बात की है उसमें अभी टाइम लगेगा, अभी सिर्फ G1 और G2 का मैप आए। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास सादुल्ला का, वो कहते हैं प्राइस ऑफ पांच मरला इन जी ब्लॉक। जी साहब, जी ब्लॉक में 5 मरले की जो प्राइस है यहाँ पे इस टाइम तकरीबन कोई 70 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, क्योंकि जब हालात बेहतर थे, जो इस टाइम गवर्नमेंट के हालात हुए हैं, इस टाइम इन्वेस्टर भी सारे पैसा रोक लिया सबने, तो यहाँ पे इसकी प्राइस जो थी ये 70+ चली गई थी, तकरीबन कोई 75 भी यहाँ पे डिमांड की जा रही थी, लेकिन अभी ये 5 मरला जो है 70-71-2 यहाँ तक ये प्लॉट सेल हो रहा है, और सेल क्या हो रहा है, डिमांड की जा रही है, बायर भी तकरीबन कोई 69 और 70 पे बायर भी लग जाता है, तो ये इसका यहाँ पे जी ब्लॉक में 5 मरले की ये प्राइस चल रही है। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास आसिम लोग क्या, वो कहते हैं सर सेक्टर एफ का कब तक मैप आ जाएगा और प्राइस भी बता दे 5 मरला प्लीज रिप्लाई भी। आसिम नूर आपका कमेंट का रिप्लाई भी जो है सेकंड कमेंट में कवर हो जाता है, जिसके अंदर दाद में गए लोग के 5 जो मैप का बताया कि कब तक मैप एक्सपेक्टेड है इसका। उसके बाद 5 मरले की प्राइस, यहाँ पे एफ ब्लॉक में जो है
इस टाइम तकरीबन कोई 52 से 54 तक मैक्सिमम यहाँ पे प्राइस जा रही है। अगर कोई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट कोई प्लॉट आ जाता है यहाँ पे एफ ब्लॉक में 5 मरने का, तो वो मैक्सिमम इस टाइम 56-57 का प्लॉट सेल हो रहा है। मार्केट काफी स्पीड से दोबारा रिवर्स हुई है, सोचा ये नहीं था कि ये कुछ होगा, लेकिन ये 6-7 महीने में मार्केट को रिवर्स लगा और बहुत तेजी से रिवर्स हुई है मार्केट। और मैं इंशाल्लाह ताला भी आपको अपडेट भी दूंगा उसकी, तो उसमें भी प्राइस आपको सारी अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास ओके ओके क्या वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेक्टर ई के नाल का क्या रेट है? सेक्टर ई में एक कनाल की प्राइस जो थी अभी कुछ 3-4 माह पहले यहाँ पे रेट था कोई 175 to 180। अभी इसकी प्राइस जो है ई ब्लॉक में 150 से 155 आ गई, यहाँ की प्राइस भी रिवर्स हुई है। ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, जो 22 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है वो अलग है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड को अलग अलग करके मैं आपको बताता हूँ, तो इस चीज का आपने खास ख्याल करना है कि ये प्राइस दे रहा हूँ 150-155 कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस 22 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस, आपने अलग से पे करना। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास शहजाद मंसूर के हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव नोटिस्ड देयर इज अ वार्सिक रिवर कैनाल रनिंग अक्रॉस द सेक्टर एच, हाउ डीएचए विल डील विद दिस इशू? आर दे गोइंग टू कवर द रिवर कैनाल और बिल्ड अ ब्रिज ओवर इट? Normally in Pakistan, river canal have road on each side for people to use it. So the sector H is divided into two parts, north side of the canal and south side of the canal. What are DHA plans? Thanks. जी शहजाद साहब, ये जो आपने वार्षिक रिवर की बात की है, ये एक तो काफी दूर है। कैनाल की बात करें, जो कैनाल यहाँ से चल रही है और फिर यहाँ पे ये इन्होंने बरसाती नाला बनाया है, इसका मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो आप यहाँ पे पेशावर में हम उसे जुमा खान फॉल कहते हैं, ये यहाँ से वार्षिक नहर से जो नासिर बाग रोड से आपका बी ब्लॉक की बैक से और शेख यासीन टाउन वाली साइड से आती है और ये प्रिज्म में होती हुई ये आगे जी ब्लॉक में जा रही है। अब आप कहते हैं ये डिवाइड हो गया डीएचए, डीएचए डिवाइड नहीं हुआ, इसको आप देखेंगे फ्यूचर में डीएचए मजीद इसकी डेवलपमेंट खूबसूरत कर रहा है, क्योंकि इसके राइट साइड पे सारा G1 G2 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे इसका एफ ब्लॉक आएगा, एच ब्लॉक आएगा, ये बीच में ये नहर चलेगी और ये बरसाती नाला जो है ये चल रहा है, तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका इसकी एक खूबसूरती हो जाएगी कि डीएचए के अंदर से ये अगर नहर निकालते हैं, नहर तो नहीं निकालेंगे, बरसाती नाला है, उसके ऊपर खूबसूरत एक ब्रिज बन रहा है, वो भी इनका प्लान है और वो जल्दी काम शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास फवाद खान के, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डीएचए, प्लीज अपडेट प्रिज्म 10 मरला प्राइस एंड अपडेट्स। ये जो प्रिज्म का 10 मरले की प्राइस आपने पूछी है, यहाँ पे 10 मरले की प्राइसेस जो है जब इसका नक्शा आया है तो यहाँ पे प्राइसेस 10 मरले की चलेगी थी 175-180 भी डिमांड की गई थी, लेकिन जो अभी हालात हैं उनकी वजह से प्राइसेस डाउन हुई है और यहाँ पे अभी 10 मरला जो है 150 से रेट इसका स्टार्ट हो रहा है और मिनिमम मैक्सिमम इसका रेट चला जाता है 160 वाला जो रेट अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आज से 3-4 माह पहले यहाँ पे 175-180 भी डिमांड की गई थी और मिनिमम जो मैं 150 बोल रहा हूँ ये प्राइसेस स्टार्ट हो रही थी 155 से 160 से स्टार्ट हो रही थी मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम ये वो वाला प्लॉट है जो ग्रेवयार्ड के पास आएगा या नॉर्थ ओपन होगा या फेसिंग कमर्शियल होगा, ये उस प्लॉट की प्राइस मैं बता रहा हूँ मिनिमम। मैक्सिमम जो साउथ ओपन प्लॉट हो जाएंगे वहां पे अभी भी आपको 165 या 170 से कम नहीं मिलेगी। प्रिज्म में इतनी प्राइसेस नहीं टूट रही, जो सेलर हैं वो अपनी एक प्राइस को लेके होल्ड किया हुआ है और मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि उस प्राइस को होल्ड किया हुआ है, उससे नीचे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर उससे नीचे आएगी तो बहुत स्पीड से ये भी नीचे जाएगा।